सो हेलो एवरीवन तो आज हम लोग का रहने वाला है लेक्चर नंबर ट्वेंटी फोर ऑफ जी के पी वैक्यू सीरीज पार्ट थ्री तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पे कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ अ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया भारत में स्थानीय सरकार के निम्नलिखित कार्यों पर विचार करें ऑप्शन हैं आपके इंश्योरिंग सेफ एंड कॉन्टिन्यूस वाटर सप्लाई प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी स्टैब्लिशमेंट ऑफ एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइब्रेरीज एंड रीडिंग रूम्स क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इट्स डिस्क्रिशनरी फंक्शंस उपरोक्त में से कौन से इसके विवेकाधीन कार्य हैं डिस्क्रिशनरी का मतलब ये होता है कि ये अपने मर्जी से वो काम कर सकता है जैसे कि अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट के पास हमारे राष्ट्रपति के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी ये लिखा नहीं हुआ है कि प्रे, प्रेसिडेंट अपने मन से काम कर सकता है प्रेसिडेंट को सारे काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही करने होते हैं आर्टिकल नंबर सेवेंटी को याद करिए देयर शैल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट एक्ट इन सच एडवाइस अब ये एडवाइस प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होती है कि नहीं ये जरा रिकॉल करिए तो प्रेसिडेंट पे फर्स्ट इंस्टेंस पे तो बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट रिकन्सिडर करने के लिए लौटा सकता है उस एडवाइस को लेकिन दोबारा जो एडवाइस मिलेगी रिकंसिडर्ड एडवाइस मिलेगी उसको मानना ही पड़ेगा यानी कि रिकंसिडर्ड एडवाइस इस पर बाइंडिंग होगी ये सारी चीज़ें हमारी फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट ने पहले बोला था कि पूरी तरह से बाइंडिंग होगी बट फोर्टी फोर्थ ने बोला नहीं पूरी तरह से बाइंडिंग नहीं होगी एक बार लौटा सकता है तो ये ऐसी चीज़ें थी तो वैसे ही कुछ है कि अपने मन से क्या कर सकता है तो अपने मन से सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइब्रेरी और रीडिंग रूम कर सकता है बाकी ये फंक्शंस हैं वाटर सप्लाई और ये भी लेकिन ये सिर्फ अपने डिस्क्रिप्शन पर नहीं कर सकता है स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि जो राज्य का उस पर्टिकुलर राज्य का जो विधानमंडल है ध्यान रखना हमेशा लोकल गवर्नमेंट अब जब मैं लोकल गवर्नमेंट बोलता हूँ तो पहले तो मुझे आपसे माफ़ी मांगनी है माफ़ी ये मांगनी है कि पिछली क्लास में मैंने गलती से जो सारी चीज़ें बता डाली थी जैसे फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गया और एल्बर्ट विल कॉन्ट्रोवर्सी हो गई वर्ना क्लब प्रसट का रिपील करना हो गया हंटर कमीशन हो गया 1882 का फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट हो गया 1881 का वो सारे रिपन के टाइम पे हुए थे अब ये गलती मेरे से पहली बार नहीं हुई है पिछले वाले भी पी सीरीज़ में उससे भी पता नहीं क्या है दिमाग में इरविन की जगह मैं रिपन बोल देता हूँ रिपन की जगह इरविन बोल देता हूँ ठीक है और पिछले भी जो जो पी सीरीज़ पार्ट सेकेंड हुआ था उसमें भी हुआ था और पार्ट फर्स्ट में भी हुआ था अब पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता दिमाग में क्या घुसा हुआ है ठीक है तो रिपन ये होगा फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ठीक है तो फादर ऑफ़ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हम किसको बोलते हैं रिपन है ना तो रिपन के ही टाइम पे फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था और कल हम जो हमने आ, हंटर कमीशन देखा था तो और फैक्ट्री से याद आया कि आज काफ़ी एक मतलब दुखद घटना हुई है ना आ, कल रात को आई थिंक हरदा में है ना मध्य प्रदेश में काफ़ी भयंकर विस्फोट हुआ वहाँ पे काफ़ी लोगों की डेथ हुई है वहाँ पे आई थिंक लगभग दस से पंद्रह लोगों के बीच में है ना तो फादर ऑफ़ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रिपन के बोलते हैं फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट हो गया हमारा हंटर कमीशन हो गया हमारा एल्बर्ट ब्रिड कॉन्ट्रोवर्सी हो गया ये सारी चीज़ें और वर्ना क्लब को रिपील करना रिपन ने किया था ठीक अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सभी को पता है पंचायत और म्यूनसिपैलिटी होता है रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है कौन रूरल में अगर हम बात करें यानी कि गांवों में पंचायत होती है पंचायत गठन होता है जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया था बाई विच अमेंडमेंट सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट पार्ट नंबर नाइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल टू फोर्टी थ्री से टू फोर्टी थ्री ओ तक शेड्यूल नंबर अलवेंथ में दिया हुआ है ट्वेंटी नाइन फंक्शनल मैटर्स दिए हुए हैं इलेवंथ शेड्यूल में ठीक जो इसे डील करते हैं अब उन्हीं ट्वेंटी नाइन फंक्शन मैटर्स में कुछ डिस्क्रिशनरी है जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम्स ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर हो जाएगा तो यहाँ पर मैं आपको ये और, और अर्बन में अगर बात करें अर्बन में तो अर्बन सेल्फ अर्बन लोकल गवर्नमेंट कौन सी होती है हमारी ये होती है नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटी ठीक है म्यूनसिपैलिटी बस हमें ये ध्यान रखना होता है कि आप जब भी आपसे कभी स्टेटमेंट क्योंकि मैंने कई जगहों पर ऐसे क्वेश्चन देखें कि वो कुछ भी लिख देता है और फिर लास्ट में लिख देता है पार्लियामेंट तो जब भी लोकल गवर्नमेंट की बात आती है बीट पंचायत तो और म्यूनसिपैलिटी खासकर पंचायत तो उसको कुछ भी हो जैसे फॉर एग्जाम्पल पंचायत को लेकर हमें पता है कि मिनिमम आपकी एज इक्कीस होनी चाहिए चुनाव लड़ना है तो ठीक है और अगर कोई इलेक्शन डिस्प्यूट है ना तो वो बॉडी देखेगी वो संस्था देखेगी जिसको स्टेट लेजिस्लेचर बोलेगी ना कि पार्लियामेंट तो बहुत सारी जगहों में आ, या फिर ऑलमोस्ट सारी जगहों में पार्लियामेंट नहीं स्टेट लेजिस्लेचर इसको पावर देता है ध्यान रखना स्टेट लेजिस्लेचर इन्वॉल्व होता है डायरेक्टली इसमें ठीक है पंचायत के केस में तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही आंसर होगा ओनली थ्री राइट right? आगे बढ़ते हैं और मेयो का रेजोल्यूशन याद रखना मेयो का रेजोल्यूशन जो पहला एक तरह से हम बोल सकते हैं लोकल गवर्नमेंट के लिए यह रेजोल्यूशन लाए थे 1872 में इन्हीं के टाइम पे पहली सेंसस हुई थी 1872 में लेकिन कंप्लीट नहीं थी कंप्लीट हुई थी रिपन जी के टाइम पे 1881 में ये चीज ध्यान रखना है ठीक है आगे बढ़ते हैं सेकेंड नंबर है एट वॉट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस दी वराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज वॉज वेरी नैरो एंड लार्जली कन्फाइंड टू द फॉलोइंग बहुत नैरो इंडस्ट्रीज थी बहुत सारी इंडस्ट्रीज नहीं थी हमारे इंडिया में स्टील इंडस्ट्रीज तो जब सेकेंड फाइव ईयर प्लान आया तब सेटअप करी गई तीन जो हम डिस्कस करते हैं रोज यहाँ पर कॉटन और जूट टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्रीज थी वो फ्लरिश कर रही थी और तो ज़्यादा कुछ था नहीं फर्स्ट और सेकेंड दोनों हो गए यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट अब ये कई बार क्वेश्चन बना है कि पहली कॉटन मिल इंडिया में कहाँ थी पहली जूट मिल इंडिया में कहाँ थी तो पहले अगर कॉटन मिल आपसे पूछे तो 1818 एटीन में कैलकाटा के फोर्ट ग्लोस्टर में फोर्ट ग्लोस्टर कैलकटा लेकिन हमें पता है कि जो कॉटन है कॉटन का जो मेन कल्टीवेशन है वो ब्लैक स्वेल में होता है ब्लैक स्वेल कहाँ मिलती है ये जो हमारा पेनिसला प्लाट्यू है फिर जो डेक्कन प्लाट्यू का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और ये गुजरात वाला रीजन यहाँ पे मिलती है तो ऑब्वियस बात है वहां पे उतना फ्लरिश नहीं कर पाएगी बिकॉज यहां से यहाँ पर रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल यहाँ पे, पे कॉटन है तो उसको सप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है रात हम यहीं पर सेटअप करते हैं तो इसीलिए फिर हो किया कि हमने एटीन में अठारह में बॉम्बे बॉम्बे स्पिनिंग एंड वेविंग कंपनी हमने सेटअप कर दी स्पिनिंग एंड वेविंग कंपनी बॉम्बे में ठीक है तो ये चीज पता होनी चाहिए और कॉटन को हम सिल्वर फाइबर के नाम से भी जानते हैं ठीक है सिल्वर फाइबर के नाम से जानते हैं और कॉटन को रिक्वायर होते हैं कितने फ्रॉस्ट फ्री डेज 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज आई थिंक हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले डिस्कस किया और कल के सी पेपर में पूछ लिया इसने ठीक है 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज तो वही क्वेश्चन वही आते हैं घुमा फिरा के बस आपको क्या है बार बार उसको रिपीट करते रहना रिकॉल करते रहना सो दैट आप एकदम भूले ही नहीं उसको तो कॉटन ब्लैक सॉइल में सबसे ज़्यादा होता है इसीलिए हम उसको ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं ब्लैक सॉइल की बात करें रेगर नाम से उसको जानते हैं इम्पर्मियबल सॉइल होती है सेल्फ ब्लॉंग एक्टरिस्टिक ले जानी जाती है सूखी होती है, तो क्रैक डेवलप हो जाते हैं गीली होती है, तो चिपचिपी हो जाती है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डिन प्लाटो में देखने को मिलती है नॉ टॉकिंग अबाउट जूट जूट की अगर हम बात करें तो इसको गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं ठीक है गोल्डन फाइबर जूट की अगर बात करें तो सबसे टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर इसकी भी अभी पहली मिल देख रहे हैं टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर कौन सी कंट्री है ये हम हम है इंडिया इंडिया में कौन सा स्टेट है वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल तो यहां पे इस केस में अगर आप वेस्ट बंगाल में फैक्ट्री सेटअप करेंगे तो बिल्कुल चल जाएगा और टॉप मोस्ट अगर इसमें एक्सपोर्टर की बात करेंगे यानी कि निर्यातक कौन है तो ये हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश है निर्यात सबसे ज्यादा बांग्लादेश करता है जहाँ की प्राइम मिनिस्टर कौन है शेख हसीना है जहाँ के मोहम्मद यूनुस जो हैं वो फादर ऑफ एक तरह से माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन माने जाते हैं बांग्लादेश ग्रामीण बैंक उन्होंने सेटअप करी थी 1971 में बांग्लादेश एग्जिस्टेंस में आया था पहले ये ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था यहाँ के प्रेसिडेंट की बात करें तो शाहबुद्दीन चुप्पू हैं ठीक है यहाँ के प्रेसिडेंट अगर बात करें तो किसकी पहली जूट मिल की ठीक है तो जो पहली जूट मिल है वो कैलकाटा में ही सेटअप हुई ध्यान रखना पहली कॉटन भी वहीं पर हुई थी बट मैंने आपको बताया रॉ मेटेयल के सप्लाई का थोड़ा सा वहाँ पे वो क्रंच था इस वजह से वहीं पे बॉम्बे में फिर सेटअप करी गई फर्स्ट जूट मिल की अगर बात करें तो 1855 में अठारह सौ सॉरी हाँ पचपन में क्योंकि चौवन में ये हुई थी 54 में यह हुई थी बॉम्बे स्पेनिंग एंड वेविंग और उसके अगले साल फिफ्टी में फर्स्ट जूट मिल कहाँ पे कैलकाटा में कैलकाटा का रिसरा जो जगह है वहाँ पर मिल का नाम क्या है मिल का नाम है एक्लैंड मिल एक्लैंड मिल और कभी आपसे पूछ ले कि गोल्डन रेवोल्यूशन किससे एसोसिएटेड है तो वो जूट से एसोसिएटेड है बिकॉज जूट को हम गोल्डन फाइबर बोलते हैं कॉटन को हम सिल्वर फाइबर के नाम से जानते हैं हु ऑज द रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर तो अकबर का राजस्व मंत्री कौन था तो अब अकबर के बारे में पता है कि अकबर के कोर्ट में नवरत्न होते थे पहली बार तो अकबर का टाइम पीरियड क्या था तो अकबर का टाइम पीरियड था 1556 से लेके 1556 से लेके ले 1605 तक 1556 में हमें पता है एक इंपॉर्टेंट बैटल हुआ था वो कौन सा बैटल था सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत पानीपत का दूसरा युद्ध ठीक है पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था जहाँ पे अकबर की फोर्सेस को अकबर नहीं लीड कर रहा था तो तेरह साल का था मात्र बैरम खान जो इसका सर्जेंट है, फिर, था, था फिर एक तरह से हम बोल सकते हैं रियजेंट था या फिर संरक्षक था बैरम खान वो लीड कर रहा था जो अब्दुलरहिम खान खाना है जिसने की बाबरनामा को जिसने कि तुजुके बाबरी को टर्किश से पर्शियन में कन्वर्ट किया था बाबरनामा बनाया था वो इस, इसी का लड़का था बैराम खान का ठीक है तो इसने फोसेज को लीड किया था और सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में जीत हुई थी किसकी अकबर की फोर्सेज की और ये किसके विरुद्ध लड़ा गया था हेमचंद्र विक्रमादित्य लीड कर रहे थे अब एक तरह से अफगानी फोर्सेज को ठीक हेम है हेमू जिनको इन शॉर्ट बोलते हैं ठीक है तो फिफ्टीन में ही सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होता है और फिफ्टीन में एक इंपॉर्टेंट बैटल होता है अगर आपको याद हो पंद्रह में कौन सा बैटल होता है बैटल ऑफ तालीकोटा जिसको बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी बोलते हैं जहाँ पे पूरा विजयनगर साम्राज्य एक तरह से पूरा तरह से तो खत्म नहीं हुआ था लेकिन तुलफ डायनेस्टी खत्म हो गई थी और पूरी एक मेजर एक जॉल्ट लगा था विजयनगर एम्पायर को इसके बाद अराइवी टू डाइनेस्टी भले चलती रही लेकिन ज़्यादा आगे तक वो जा नहीं पाई तो बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी या फिर तालीकोटा और इसमें विजयनगर साम्राज्य को किसने हराया था ये डक जो दक्कन फोर्सेज थी बीजापुर अहमदनगर और गोलकोंडा ने तीनों मिलकर हराया था इनको ठीक इस बैटल में और इस बैटल में विजयनगर को किसने लीड किया था अली रामा रॉय ये राजा हुआ करते थे लेकिन सदाशिव राव जो है ये प्राइम मिनिस्टर थे उनके कोर्ट में तो वो मेन लीडर थे ठीक है तो अगर कभी पूछ लेता है कि लास्ट रूलर कौन था विजयनगर डायनेस्टी का विजयनगर एम्पायर का नॉट डायनेस्टी का तो ये अली रामा रॉय लेकिन अली रामाए ऑप्शन में नहीं होगा तो श्री रंग दर्ड होगा क्यों क्योंकि आरआईवीडू जो डायनेस्टी आई बाद में उसका लास्ट रूलर श्री रंग थर्ड था तो ये ध्यान रखना वैसे तो हम ये चीज़ें करेंगे डिस्कस जब तो कोई विजयनगर का क्वेश्चन आएगा विजयनगर का अभी तो अगर पता है तो ठीक है रिविजन हो गया होगा नहीं तो स्किप कर लो तो अकबर के ये थे आपके नवरत्न फजल इनमें से चीफ एडवाइज़र था अकबर का प्राइम मिनिस्टर भी था अकबर का चीफ एडवाइज़र या फिर इसी ने ही फजल ने ही क्या किया था फजल ने ही आपको पता होना चाहिए अकबर नामा लिखी थी ठीक है अकबर नामा ठीक है अकबरनामा लिखी थी जिसके तीन वॉल्यूम्स थे तीन वालीम पहला जो वॉल्यूम था वो अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में बात करता था पूर्वजों के बारे में बात करता था तीसरा जो है इसके मेनली एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में प्रशासन के बारे में बात करता था वॉल्यूम और तीसरा जो है तीसरे में था एन अकबरी जो कि एक्चुअल में अकबर का एक बायोग्राफी है ठीक है ये चीज़ ध्यान रखिएगा फिजी या फिर इसको फैज़ी बोलते फिजी ठीक है तो फैज़ी बोल देते हैं इसी का भाई था वो ठीक है फैज़ी और ये एजुकेशन मिनिस्टर था फिज़ी एजुकेशन मिनिस्टर शिक्षा मंत्री तानसेन तो सभी लोग जानते हैं मियाँ तानसेन ये हैं कौन ये रामतनु पांडे हैं जो ग्वालियर के किले में थे ठीक है और ये रुद्रवीणा रुद्रवीणा या फिर इसी को हम क्या बोल देते हैं रबाब ये बजाते थे ये पूछ चुका है ग्वालियर घराने से बिलोंग करते थे तो ये एक म्यूजिशियन हम सिंपल बोल सकते हैं ठीक है म्यूजिशियन बीरबल और मतलब किसके राजा जो हमारे विक्रमजीत थे जो ग्वालियर के तोमर वंश के उनके कोर्ट में थे ये ठीक है बीरबल की अगर बात करें तो आप जानते ही बीरबल हमारे मतलब ये फॉरेन मिनिस्टर थे काफ़ी विटी रिमार्क्स के लिए जाने जाते थे ओनली हिंदू टू अडॉप्ट द न्यू रिलीजन प्रोपाउंडेड बाई अकबर वट वॉज द न्यू रिलीजन प्रोपाउंडेड बाई अकबर दैट वॉज दीन इलाही ये दीन इलाही नया धर्म था जो अकबर ने लाया था और बीरबल वॉज दी ओनली हिंदू टू तो अडॉप्टेड बिकॉज ये ज़्यादा चला नहीं राजा टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर या फिर रेवेन्यू मिनिस्टर बोल सकते हैं फाइनेंस देखते थे राजा मान सिंह की बात करें तो चीफ ऑफ स्टाफ थे अकबर के आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ थे ये ठीक है अब्दुल रहीम खाने खाना ये वही है बैराम खान के बेटे हैं ये खाने खाना ये एक तरह के आप ऐसे समझ सकते हो कि डिफेंस मिनिस्टर थे ये ठीक है डिफेंस मिनिस्टर थे और हकीमकाम देखो कहीं कहीं पे हकी, ये तो पहले बता दो ये एक फिजिशियन थे फिजिशियन ठीक है फिजिशियन थे लेकिन कहीं कहीं पे कहीं कहीं पे फकीर अजियाउद्दीन करके आपको देखने को मिलेगा कि नवरत्न में ये नहीं होंगे लेकिन फकीर हो सकता है कि अजियाउद्दीन हो ठीक है तो ये रिलीजियस मिनिस्टर थे ध्यान रखना ठीक है रिलीजियस मिनिस्टर थे इसमें तो यहाँ पे बात रेवेन्यू मिनिस्टर की हो रही है तो आंसर टोटलमल हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड क्लियर है और तो कुछ नहीं है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं वो मंग दी फॉलोइंग इज सेवेंथ सिख गुरु निम्नलिखित में से सातवें सिख गुरु कौन थे ये आपसे क्वेश्चन पूछा है तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा सिख गुरुज़ की अगर हम बात करें तो हमारे सातों सिख गुरु में चलो हम डिस्कस कर ही लेते हैं एक एक करके तो पहले हमारे कौन थे फर्स्ट गुरु नानक जी दे थे ठीक है गुरु नानक जी दूसरे कौन थे सेकंड इनके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये गुरु अमरदास जी थे ठीक है सही गुरु अमरदास बोल बोलो अंगद जी ठीक है ऐसे याद कर लो कि अंगद जो हैं अंगद अंगद जो अपने रामायण में देखे होंगे अंगद वो अंगद जो हैं अमर हो गए अंगद जो हैं अमर हो गए कब जब वो राम जी से मिले देखो याद हो गया आराम से अंगद जी अमर हो गए जब वो राम से मिले तो पहले गुरु गुरु नानक जी देव जिन्होंने की लंगर व्यवस्था को शुरू किया था दूसरे हमारे अंगद देव ठीक है जिन्होंने कि गुरुमुखी स्क्रिप्ट स्टार्ट की थी गुरुमुखी स्क्रिप्ट स्टार्ट करी थी इन्होंने अमरदास की अगर बात करें गुरु अमरदास जी Uh, ये अकबर के कंटेम्प्रेरी थे बस इसमें इतना ध्यान रखना ठीक है कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन जब अकबर थे तब उसी टाइम में अमरदास जी भी थे रामदास जी की अगर कर बात करें तो उन्होंने सिटी ऑफ अमृतसर सिटी ऑफ अमृतसर जो है बनाई थी अमृतसर देन फिफ्थ की बात कर लेते हैं तो फिफ्थ हमारे गुरु अर्जन देव जी थे ठीक है गुरु अर्जन देव ठीक है ठीक है ऑलिट right. तो ऐसे याद कर सकते हो कि अंगद जी अमर हो गए जब राम जी से मिले और फिर उन्होंने अर्जन वैली सॉन्ग गाया <laughs> ठीक है तो अर्जन देव की अगर बात करें तो फिफ्थ सिख गुरु थे एंड इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को कंपोज करना स्टार्ट किया था गुरु ग्रंथ साहिब और इन्होंने ही गुरु अर्जुन देव जी ने ही जो आपका गोल्डन टेम्पल अभी आप देखते हैं उसका कंस्ट्रक्शन भी इन्होंने स्टार्ट करवाया था आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को आदि ग्रंथ ही बोलते हैं तो आदि ग्रंथ जो है इन्होंने कंपाइल करवाना स्टार्ट किया था एंड ही वॉज एग्जीक्यू और एग्जीक्यूटेड बाई जहांगीर जहांगीर ने इनको मरवा दिया था एग्जीक्यूट करवा दिया था क्यों क्योंकि इन्होंने इसका रेबेलियस चाइल्ड था खुसरो ठीक है उसको सपोर्ट किया था ठीक है खुसरो को सपोर्ट किया था एंड सिक्स हमारे सिख गुरु कौन है आ, गुरु हरगोविंद साहिब ठीक है गुरु हरगोविंद साहिब इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना करी थी अकाल तख्त दैन इसके बाद हमारे सेवेंथ थे गुरु हर राय ऐसे याद कर लो राव साहब ठीक है ये भी गुरु हर राय साहिब इनका पूरा नाम था ठीक है तो सिक्स हो जाएंगे हमारे हरगोविंद साहिब और देन हमारे गुरु राय साहिब देन हमारे यहाँ पे हरकिशन जी नहीं हाँ हैं तो तो ये हमारे एट सिख गुरु थे ठीक है आठवें थे एंड गुरु तेग बहादुर ये नाइन्थ सिख गुरु थे जिस जिनको कि औरंगज़ेब ने प्रजिक्यूट करवाया था औरंगज़ेब ने इनको मरवाया था क्योंकि इन्होंने कश्मीरी पंडितों का जो धर्म परिवर्तन करवा रहा था जबरन धर्म परिवर्तन औरंगजेब तो उसको इन्होंने रजिस्ट किया था उसका विरोध कर किया था इन्होंने गुरु तेग बहादुर ने तो इस वजह से इनको मरवाया था उसने और टेंथ एंड लास्ट हम जानते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी हैं गुरु गोबिंद सिंह जी जिन्होंने की खालसा पंथ की स्थापना करी थी ठीक है वो स्टैब्लिश थी खालसा पंथ राइट आगे बढ़ते हैं ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ग्रेट हिमालय तो ग्रेट हिमालय के बारे में निम्नलिखित लिखते हैं कौन सा कथन है सही है ठीक तो ग्रेट हिमालय क्योंकि हम लोग आई थिंक ज़्यादा हम लोगों ने इस इस्पिक चीज़ें करी नहीं है तो क्यों ना स्टार्टिंग से शुरू कर लेते हैं सारी चीज़ें किस तरह से ग्रेट हिमालय हमारा बना तो सेवेंटी मिलियन ईयर्स पहले जोग्रफी में आ, मतलब सौ दो सौ साल से कब बात नहीं बनती है। जोग्रफी में कम से कम एक लाख दो लाख ऐसे चलता है और ये तो हम बात कर रहे हैं सेवेंटी मिलियन साल पहले की ठीक है सत्तर मिलियन साल पहले क्या हुआ था सत्तर मिलियन साल पहले यहाँ पर एक होता था हमारा ये इस तरह से इंडियन प्लेट होती थी ये ठीक है ये कॉन्टीनेंट था ये यहाँ पे एग्जिस्ट करते थे आज से सत्तर साल पहले जहाँ पे हम रह रहे हैं मोस्टली लोग वो यहाँ पे रहा करते थे ठीक है ऑस्ट्रेलिया के पास देन ये धीरे 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 हम ऊपर की तरफ माइग्रेट करना स्टार्ट किए भाई क्यों पहिया लगे थे क्या नहीं पहिए नहीं वो हम लोग जब देखेंगे या फिर हमारा क्या होता है कि यहाँ पे मेंटल है ठीक है तो मैंटल जो होता है मैंटल के ऊपर एस्थिनोसफियर करके क्लियर होती है उसके ऊपर ये लिथोसफियर एक प्लेट होती है वो प्लेट जो है स्लाइड करती हैं इसकी वजह से तो जब ये प्लाइट जो प्लेट जो है स्लाइड करी क्यों स्लाइड करी बिकॉज यहाँ पे मैंटल का जो एस्थिनोसफियर है मैंटल में वो मूव किया नहीं पता है तो हम आगे पढ़ेंगे जब कोई क्वेश्चन आएगा कि एस्थिनोसफियर क्या होता है तो ये सेमी मॉल्टन फॉर्म का एक मटेरियल होता है जो मैटल के अपर पार्ट में हमें देखने को मिलता है ये धीरे धीरे इस तरह से ऊपर माइग्रेशन स्टार्ट किया और फिफ्टी मिलियन ईयर्स पहले कुछ यहाँ पहुँचा एंड देन ट्वेंटी मिलियन ईयर्स पहले ये यहां पे इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से कोलाइड करी और जब कोलाइड करी तो इस तरह से हमारे हिमालयंस का फॉर्मेशन हुआ जैसे कि आप पेज लीजिए एक और पेज को दोनों साइड से पुश करिए तो बीच में उठ जाएगा ऐसे करके तो ऐसे हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ हिमालय हमारे लेयर्स में बने हैं लेयर्स में बने मतलब लेयर्स में ऐसी कुछ लेयर्स निकल के आई सबसे पहले जो है यहाँ पे ट्रांस हिमालय था ये ऊपर का जो सबसे पार्ट है ना एक्चुअल में ये माना जाता है ट्रांस हिमालय पहले से ही एग्जिस्ट करता था ये एक तरह से ठीक है तो ट्रांस हिमालय की तीन लेयर होती हैं काराकोरम लद्दाख जंस्कार शायद यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये काराकोरम है ये लद्दाख है ये जंस्कार है काराकोरम लद्दाख जंस्कार के एल जेड देन इसके बाद हमारी तीन लेयर्स आती हैं हिमालय में एक आती है ग्रेट हिमालय जो सबसे पहले आती है उसको हम ग्रेट हिमालय बोलते हैं या फिर इनर हिमालय बोलते हैं इनर हिमालय या फिर इसी को ही हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं ये इसके डिफरेंट नेम्स हैं और इसकी अगर हम एवरेज हाइट की बात करें तो वो 6000 मीटर है 6000 मीटर क्लियर और इसमें हमें हाईएस्ट पीक्स देखने को मिलती है माउंट एवरेस्ट जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है हाईएस्ट पीक्स ठीक है जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है जो 8848 मीटर ऊंची है ठीक है और जो हमारी इंडिया की हाईएस्ट पीक है माउंट कंचनजंगा सिक्किम में वो भी इसी में ही ग्रेट हिमालय का हिस्सा है कमेंट में आप बताएंगे ग्रेट इसकी कंचनजंगा की हाइट कितनी है ठीक है देन आते हैं इसके नीचे जो लेयर एग्जिस्ट करती है उसको बोलते हैं लेसर हिमालय ठीक है लेसर हिमालय बोलते हैं इसको या फिर इसको ही हम हिमाचल के नाम से भी जानते हैं या फिर इसी को हम जैसे वो इनर है तो ये मिडिल है हिमालय ठीक है मिडिल ग्रेट लेसर ठीक है इनर मिडिल हिमाद्री हिमाचल मिडिल हिमालय इसको बोल देते हैं अब इसको डिफरेंट रीजन में डिफरेंट नाम से जाना जाता है जैसे कि अगर मैं कश्मीर में बात करूं तो इसको हम पीर पंजाल नाम से बुलाते हैं ठीक है पीर पंजाल बोल देते हैं तुम तो हिमाचल में चले जाओ इसको धौलाधर के नाम से जाना जाएगा धौलाधर के नाम से जाना जाएगा धौला गिरी पर्वत है नेपाल में लेकिन ये धौलाधर रेंज है रेंज का मतलब ये होता है ग्रुप ऑफ माउंटेन माउंटेनर सीरीज ऑफ माउंटेन ये इसको रेंज बोलेंगे ठीक है सीरीज ऑफ माउंटेन को ठीक है और इसमें से ये पीक हो गई एक ठीक है देन कश्मीर हिमाचल और उत्तराखंड में इसको नाग तिब्बा के नाम से जाना जाता है ठीक है नाग तिब्बा के नाम से अब ये जो लेशर हिमालय है इसके बाद इसके बाद आता है हमारा शिवालिक ठीक है शिवालिक को हम आउटर हिमालय के नाम से भी जानते हैं क्योंकि सबसे बाहर में आउटर हिमालय ध्यान रखना ठीक है आउटर हिमालय इनको हम चूड़िया हिल्स के नाम से भी जानते हैं चूड़ियाँ चूड़ियाँ पहन के रखी हैं ठीक है ठीके? और ये जब हम ईस्टर्न साइड में जाते हैं जैसे कि इस तरह से ग्रेट हिमालय लेसर हिमालय शिवालिक शिवालिक जब ईस्टर्न साइड में जाते हैं अरुणाचल के साइड में सिक्किम के साइड में वेस्ट बंगाल के साइड में तो शिवालिक देखने को नहीं मिलते इनकी जगह दुआार्स आ जाते हैं दुआार्स क्या है दुआार्स ये एक फ़र्टाइल प्लेन आप ऐसे समझ सकते हो जो टी कल्टिवेशन के लिए चाय की खेती के लिए बहुत अच्छे हैं तभी दार्जिलिंग की टी असम की टी बहुत फेमस है इंडिया टी प्रोडक्शन में किस नंबर पे आता है कमेंट में तो शिवालिक है और यह ध्यान रखना कि लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में बीच में मिलती हैं दूंस दूंस क्या होती हैं दूंस होती हैं लोंगी वैलीज ठीक है लोंगी वैलीज होती हैं यह दूंस लेसर हिमालय और शिवाली के बीच में देखने को मिलती हैं, ठीक हिमालय का रीजनल डिवीजन भी होता है इसको रीजनली भी डिवाइड करते हैं जैसे इंडस रिवर और सतलज रिवर के बीच का जो हिमालय का पार्ट है, उसको पंजाब हिमालय बोलते हैं आईपीएस करके याद कर सकते हो आई से इंडस बीच से पंजाब से सतलज सतलज रिवर और काली रिवर के बीच में जो है उसको कुमाव हिमालय बोलते हैं कैसे काली कैसे कुमाऊं काली और तीस्ता के बीच में जो है उसको नेपाल हिमालय बोलते हैं और नेपाल और ब्रह्मपुत्र नेपाल सॉरी नेपाल बोलो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में जिसको हम असम हिमालय बोलते हैं ठीक है तो ये रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय भी याद रखना बिकॉज इस पर भी क्वेश्चन बने हैं क्लियर हो गया आपको तो सही आंसर यहां पर क्या होगा द फोल्ड हाँ अभी तो क्वेश्चन तो किया ही नहीं है द फोल्ड ऑफ ग्रेट हिमालय सिमेट्रिकल तो ध्यान रखना है सिमेट्रिकल नहीं है ए सीमेट्रिकल है इसका मतलब क्या होता है सिमेट्रिकल का मतलब जैसे हम लोग सिमेट्रिकल होते हैं कि हमारा एक हाथ यहाँ एक हाथ मतलब यहाँ पे एक पैर एक पैर एक आंख एक आंख मतलब सारी चीज़ें सिमेट्रिकल है अगर लेफ्ट साइड हमारा राइट साइड के बिल्कुल इक्वल है इसको सिमेट्रिकल बोलते हैं ए सीमेट्रिकल का मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड के बिल्कुल बराबर नहीं है और जो हिमालय वो ए सीमेट्रिकल है सीमेट्रिकल नहीं है इसके फोल्ड और ध्यान रखना हिमालय जो है वो फोल्ड माउंटेन है वलित पर्वत हैं और कैसे वलित पर्वत हैं यंग नवीन वलित पर्वत हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं यंग क्यों बोलते हैं अभी बने हैं क्या हाँ बिल्कुल बस थोड़ा 25 पच्चीस मिलियन साल साल पहले ही बने ढाई करोड़ साल पहले बने ज़्यादा पुराने नहीं हैं है? हाँ अरावली तो इससे भी बहुत 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 पुराने अरावली तो अरावली इससे भी बहुत पुराने है ध्यान रखना अब यहाँ पे अरावली कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा होगा पहले से ये भाई साहब तो 70 मिलियन साल पहले चालू करना चालू हुए फिर 25 मिलियन साल यहाँ पहुँचा जब टकराए तब तो बने ना टकराए तो बने और अभी भी ये कोलिजन चल रहा है यूरेशियन प्लेट वहाँ से इधर आ रही है और इंडियन प्लेट यहाँ से आ रही दोनों एक दूसरे में और सम्मिलित हो रहे हैं तो और हिमालय की हाइट बढ़ती ही जा रही है लेकिन इतनी नहीं बढ़ रही है कि रोज़ कर लो एक पचास पचास मीटर सौ मीटर बढ़ गया बहुत फ्यू सेंटीमीटर बढ़ती है जो कि आप नोटिस नहीं कर पाएंगे अपने लाइफ टाइम पर ठीक है उनको नोटिस करने के लिए एटलीस्ट वही कि आठ दस हजार साल तो कम से कम एटलीस्ट जो है चाहिए कि भाई थोड़ा सा नोटिस करने के लिए ठीक है तो ये है तो मतलब अरावली उससे भी बहुत पुराने हैं अरावली भी फोल्ड माउंटेन है लेकिन वो यंग नहीं है ओल्ड है बहुत पुराने हैं अरावली ध्यान रखना इस चीज को तो इसी वजह से उनपे वो हम पढ़ेंगे चलो उन उनपे क्या है कि जो एक्सोजेनस एजेंट्स हैं जैसे विंड वाटर ये सब ज्यादा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी हाइट कम हो रही है हिमालय की हाइट बढ़ रही है बिकॉज उसमें एंडोजेनिक फोर्सेज ज्यादा है अरावली में क्या है एक्सोजेनिक फोर्सेज ज्यादा है बाहर के फोर्स बाहर के बल ज्यादा लग रहे हैं तो उसकी हाइट कम हो रही है हिमालय में अंदर वाले जो फोर्सेज अंदर वाले क्या फोर्सेज हैं अंदर से जो ये प्लेट उठ रही है वो है ठीक कोर जो इसका है ना हिमालय का वो ग्रेनाइट का बना हुआ है कोर जो इसका ग्रेनाइट का बना हुआ है तो पहला गलत हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ ओनली टू विल बी दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक अभी के लिए इतनी चीज़ें बाकी फिर जब हम लोग और मतलब आगे बढ़ेंगे तो हम डिफरेंट इसमें पासस देखेंगे कुछ तो पासिस हम देख भी चुके हैं और इसकी पीक्स देखेंगे नंदा देवी और गौर माता ये सब देखेंगे ठीक है सॉरी गौर माता तो नहीं है गौर माता तो यहाँ पे है ठीक है सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है लेकिन ये जैसे कि हमारी नाग ये धौलागिरी हो गई नंदा देवी होगी अन्नपूर्णा हो गई हम बाद में पढ़ेंगे लेकिन अभी के लिए सारी इतनी चीज़ें आपको करनी क्योंकि वैसे ही इतना थोड़ा सा लोडेड हो गया ये क्वेश्चन है ना आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं ये है आपका ये ठीक है लिस्टिंग वाला मैचिंग का क्वेश्चन है द टू तीखा इक्कीस इतिकस अगम्स धर्म शास्त्र दर्शन बताइए कौन सा यहां पे सही आंसर होगा अब यहां पे आप निटो भी लगा सकते हैं बी डी एक बी डी 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 ऑड वन आउट ए ए सी ऑड वन आउट ठीक है अब बचता है तीन और च, दो और तीन तो यहां पे थोड़ा सा आपको तो नॉलेज यूज करना पड़ेगा कि भाई थर्ड का बी और फोर्थ का सी या थर्ड का सी फिर फोर्थ का बी तो थर्ड बात कर रहे हैं धर्मशास्त्र यानी कि ये बोल रहे हैं द कोर्ट्स ऑफ लॉ या फिर दिमाग लगाइएगा थोड़ा दिमाग लगाइएगा या थर्ड का हो होगा फिलोसफिकल स्कूल दर्शन दर्शन शास्त्र को फिलॉसफी बोलते हैं धर्म का मतलब ही होता है क्या धर्म का मतलब होता है लॉ कानून धर्म का मतलब यहां पे सिंपल आप वर्डिंग से भी जा सकते हैं तो और सही आंसर तक पहुंच सकते हैं तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही आंसर होगा अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंसर्टेड भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित हैं? कितना आसान सा क्वेश्चन इतनी हम लोग बार फंडामेंटल uh, ड्यूटीज को कर चुके हैं अब हम लोग सबकी आंखें बंद पार्ट फोर पहली बात तो सरदार सुरन सिंह कमेटी फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट दस ड्यूटी को ऐड किया टैक्स देना एक ड्यूटी होनी चाहिए और ड्यूटी को फॉलो ना करने पे जुर्माना होना चाहिए ये दोनों ये दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने ठीक है दस ड्यूटी डाली फिर एट्टी सिक्स अमेंडमेंट ऑफ टू से एक और ड्यूटी एड हुई ग्यारहवीं नंबर की ड्यूटी की छः से चौदह साल तक के बच्चों को स्कूल भेजना या गार्जियन को ड्यूटी दी गई और ये सारी पार्ट नंबर फोर ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भाग चार में है और आर्टिकल नंबर फिफ्टी वन ए में अनुच्छेद नंबर इक्यावन काम है ठीक है खत्म एक कॉम्पोनेंट छोड़ दिया है वो है कि सारी ड्यूटी की ए में क्या फिफ्टी वन ए क्लॉज ए बी सी डी वो हम अच्छे से कम से कम उसको भी तीन चार बार विद ट्रिक देख चुके हैं ठीक है नहीं आएगा तो नहीं होगा तो कोई जब कोई क्वेश्चन आएगा आगे इन फ्यूचर तो देख लेंगे ठीक है आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ओनली वन होगा पार्ट फोर में क्या है डी पी एस पी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आर्टिकल थर्टी सिक्स से फिफ्टी वन कहाँ से लिया आयरलैंड से इनको कहाँ से लिया इनको लिया है रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से और ये नॉन जस्टिसबल है ये भी नॉन जस्टिसबल है निवाद्योगे नहीं है ये क्लियर आगे बढ़ते हैं और इनको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कौन सी सोशलिस्ट सोशलिस्टिक डीपीएसपी लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल और गांधीयन ये क्लासिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है पढ़ने के लिए हम लोग इसको क्लासिफिकेशन इसका कर लेते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी पंडिता रमाबाई पहला स्टेटमेंट है शी वाज अमंग्स द इंपॉर्टेंट वुमेन सोशल रिफॉर्मर्स इन महाराष्ट्र शी वॉज अमंग जी इंपॉर्टेंट वीमन्स कहीं डेटा कोई फैक्ट कुछ कुछ एक्सट्रीम के वर्ड नहीं दिख रहा है जनरली हम इसको सही मानेंगे हम ये नहीं मैंने ये बोलोगे हंड्रेड परसेंट सही मान के और बस कि ये पहला तो होगा ही और इसको हटा देते हैं और ये आंसर हो गया ना मैंने ये थोड़ी ना कहा आपसे मैंने कहा इसको सही कंसिडर करेंगे अगर हंड्रेड परसेंटर होता है तो तुरंत ऐसे ऐसे करते हो खटाक से मार के आगे बढ़ते अगर हंड्रेड परसेंट हमें पता है लेकिन हंड्रेड परसेंट नहीं पता तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं ठीक है इन नाइनटीन एटीन नाइनटी शी स्टार्टेड शारदा सदन अ होम फॉर विडोज ठीक है तो विधाओं के लिए ना इस तरह से स्टार्ट के नीचे भी लिखा हुआ है तो मान लेते हैं यह मैं नहीं पता डेटा फैक्ट है तो हो हो सकता है गलत बुक टाइटल्ड अमर जीवन इज द फर्स्ट नोन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एन इंडियन अब ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊं आई वी पूछा गया और ये क्वेश्चन कुछ महीने पहले एस ने भी पूछा था क्योंकि मुझे याद मैंने पीआई की पार्ट टू में इसको करवाया है ठीक है और मैंने वहां पर बताया था कि अमर जीवन जो है वो रास सुंदरी देवी की है रस सुंदरी देवी या फिर जो भी प्रोनाउंस करते हो रा फिर रस सुंदरी देवी इनकी है ये अमर जीवन और पहली ऑटोबायोग्राफी ये बात तो बिल्कुल सही है अमर जीवन पहली नोन ऑटोबायोग्राफी है जो कि किसी इंडियन वेमेन ने लिखी लेकिन वो पंडिता रामाबाई जी ने नहीं लिखी हमारी रा देवी जी ने लिखी है तो तीसरा हुआ गलत फॉर श्योर तीसरा गया आंसर वही है देखिए ठीक है थीके? अगर आप ये भी आप पहचान लिए थे कि हाँ शी इज़ दी वन ऑफ दी इम्पॉर्टेंट वुमेन सोशल रिफॉर्मर्स तो भी पहला क्योंकि एक एक ही ऑप्शन में ठीक है शी स्टार्टेड विधवा विवाह उत्तेजक मंडल सोसाइटी फॉर एनकरेजमेंट ऑफ इडोर इमारिजन एटी सिक्सटी फाइव ये भी गलत है क्यों क्योंकि इसको स्टार्ट किया था विष्णु शास्त्री पंडित जी ने विष्णु शास्त्री पंडित जी ने इसको स्टार्ट किया था विधवा विवाह उत्तेजक मंडल या फिर इसको ही हम बोल देते हैं और ये भी एस एस में पूछा गया बिकॉज अभी हिस्ट्री मैंने पढ़ाई है उसमें ये क्वेश्चन कर रखे हैं हम लोग ठीक है और आई थिंक उसी सेम क्वेश्चन में ही दोनों फैक्ट थे या फिर क्या वो जो तो इतना तो मुझे याद नहीं कि डिट्टो वही क्वेश्चन उन्होंने छापा है या फिर मतलब आईबी वालों ने एस से क्योंकि मतलब छापा वो तो गलत होगा क्योंकि क्वेश्चन वही है ना क्यों मतलब आप ऐसा तो है नहीं कि नया कुछ है ना इन्वेंशन होता रहेगा तो वही क्वेश्चन होता तो है तो विष्णु शास्त्री पंडित जी ध्यान रखना ठीक है इसी को हम विडो रीमैरिज एसोसिएशन बोलते हैं कभी आपसे पूछ ले कि विष्णु शास्त्री पंडित ने विडो रिमैरिज एसोसिएशन कब बनाया था तो वो एट्टीन यही यही है वो विडो रिमैरिज एसोसिएशन ठीक है विडो रीमैरिज एसोसिएशन ध्यान रखिएगा इस चीज़ को अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना कि और ये ध्यान रखना शारदा सदन ने उन्होंने एट्टी नाइनटी बनाया था और एक चीज़ हाँ ये एक विडो मैरिज एसोसिएशन था जिसको बोलते थे राजा ठीक है राजा मुंड्री ये साउथ इंडिया का था राजा मुंड्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन इसको ध्यान रखना रिफॉर्म एसोसिएशन ये 1811 का था एसोसिएशन राजा मुंड्री या फिर रासुंदरी भी बोल देते हैं इसको ठीक है मतलब राजा मुंड्री या फिर राजा मुंड्री जो भी मतलब बोलना चाहें आप तो विमेन रिफॉर्म एसोसिएशन ये अट्ठारह सो ग्यारह में बनाता था एटीन इलेवन में और इसको बनाया था किसने वीर सलिंगम पेंटुलू ने बनाया था इसको ध्यान रखना पेंटुलू जी ने ठीक है एंड कुछ यहाँ पे हम एसोसिएशन uh, की बात कर लेते हैं जैसे भारत स्त्री महामंडल भारत स्त्री महामंडल ये तीन आपको एसोसिएशन पता होने चाहिए जो हमारे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हम चैप्टर पढ़ते हैं ब्रह्मो समाज आर्य समाज और ये सारे समाज तो वहाँ प्रार्थना समाज तो वहां पे ये विमेन के तीन एसोसिएशन आपको पता होना चाहिए लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस आर्य महिला समाज ठीक है आर्य महिला समाज तो भारत श्री मंडल की अगर बात करें महामंडल सरला देवी चौधरानी 1910 में इन्होंने बनाया था ये, सरला देवी ये कहीं कहीं देवी भी लिखा रहता देवी चौधरानी ठीक है चौधरानी लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस रामाबाई राना डे ठीक है बाई रानाडे ये पंडिता रामाबाई है ध्यान रखना रामाबाई राना डे अलग ये रामाबाई राानाडे एम जी राना डे की वाइफ थी ठीक है और आर्य महिला समाज ये बनाया पंडिता रामाबाई जिनके भी हम पीछे चर्चा कर रहे थे ठीक है पंडिता रामाबाई ठीक आगे बढ़ते हैं वो मंग दी फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ और एक चीज़ और हाँ कि विडो री मैरिज एक्ट कब पास हुआ था अगर पूछ ले कि विडो री मैरिज एक्ट कब पास हुआ था तो एटीन फिफ्टी सिक्स अठारह सौ छप्पन में पास हुआ था ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसमें मेन जैसे कि नहीं सती प्रथा खत्म हुई थी तो मेन क्रेडिट किसको जाता है राजा राम मोहन रॉय जी को जाता है तो वैसे ही मेन क्रेडिट इसमें इनको जाता है और ये हुआ किसके टाइम पे इस समय कौन था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये था डल ठीक है जो कि हड़प नीति लाया था डॉक्टर ऑफ लैब्स लाया था जिसके टाइम पर एटीन में पहली ट्रेन चली थी बॉम्बे टू थाने के बीच में आगे बढ़ते हैं नाइन्थ तो नॉट नॉट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कौन सा संसद का हिस्सा नहीं है तो आर्टिकल नंबर सेवेंटी नाइन अनुच्छेद नंबर उन्यासी हमसे बोलता है कि पार्लियामेंट में कौन कौन आएगा पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इसमें लिखा हुआ है तो पार्लियामेंट की जब मैं पढ़ाता हूँ तो एक पिरामिड बनाता हूँ ये एल एस लिखता हूँ या आर एस लिखता हूँ और ये ये हमारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति साहब ठीक है या फिर राष्ट्रपति साहिबा हमारी तो लोकसभा लोअर हाउस राज्यसभा अपर हाउस लोकसभा हाउस ऑफ पीपल राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट लोकसभा कब बना था सेवनटीन्थ अप्रैल नाइनटीन फिफ्टी टू को ठीक है और राज्यसभा की अगर बात करें तो कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था थर्ड अप्रैल को ठीक है कॉन्स्टिट्यूट कॉन्स्टिट्यूट की बात हो रही है सत्रह अप्रैल को लोकसभा और तीन अप्रैल को राज्यसभा और फर्स्ट सिटिंग की बात कर लेगा तेरह मई लोकसभा और तेरह मई ही राज्यसभा और इन इनके हिंदी नाम कब अडॉप्ट हुए थे नाइनटीन फिफ्टी फोर ये हम पिछले दो दिन से चीज़ें देख रहे हैं आर्टिकल एटी बोलता है राज्यसभा के बारे में आर्टिकल एट्टी राज्यसभा के बारे में बोलता है आर्टिकल एट्टी वन किसकी बात करता है लोकसभा की बात करता है ठीक है इसमें मिनिमम एज कितनी होती है तीस साल इसमें मिनिमम एज कितनी होती है चुनाव लड़ना है तो पच्चीस साल ठीक तो यहां पे ये यह भी पार्ट होता है ये भी पार्ट होता है और ये भी पार्ट होता है प्रेसिडेंट क्यों पार्ट होता है पार्लियामेंट का क्योंकि कोई भी बिल एक्ट नहीं बन सकता अब जैसे कि अभी एक बिल लाया गया है हमारी बजट सत्र में कौन सा बिल है वो कोई पार... थोड़ा सा ये तो आपने देखा ही होगा ये एक्ट नहीं बना अभी बिल एक्ट तभी बनता है जब दोनों हाउसेज से पास होकर प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाती है सहमति मिल जाती है बिल है कि अगर कोई चीटिंग करता हुआ पाया गया तो उस केस में उसको क्या क्या सजा मिलेगी तो उसको लेके ये बिल है और बिल लोकसभा से आया राज्यसभा में जाएगा या फिर राज्यसभा से आया लोकसभा में जाएगा दैन प्रेसिडेंट की असेंट मिलेगा तभी वो बिल एक्ट बनेगा तभी वो कानून बनेगा ठीक है तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद ये पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर का हिस्सा ये कौन से आर्टिकल में आता है ये अपर हाउस है स्टेट लेजिस्लेचर का हम लोग खूब पढ़ चुके हैं इसके बारे में तो अपर हाउस कौन सा होता है पार्लियामेंट के इसमें राज्यसभा होता है आर्टिकल 80 89 ऐड कर देना इसमें तो 169 में क्या है लेजिस्लेट काउंसिल है लेजिस्लेटिव काउंसिल की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है वन थर्ड ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी जो विधानसभा की जो स्ट्रेंथ है उसका वन थर्ड मैक्सिमम की यहाँ पे बात हो रही है और मिनिमम की बात करें तो फोर्टी एक्चुअल स्ट्रेंथ कौन डिटामाइन करता है पार्लियामेंट डिसाइड करता है और एक्चुअल स्ट्रेंथ होती क्या है एक्चुअल स्ट्रेंथ जो जो पार्लियामेंट डिसाइड करता है 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 वो वो होती है कि जो होते हैं वो चुन के भेजता लेजिस्लेटिव असेंबली वन थर्ड जो है लोकल बॉडीज वन ट्वेल्थ कौन चुन के भेजता है ग्रेजुएट्स ऑफ एटलीस्ट थ्री इन वन ट्वेल्थ टीचर्स भेजते हैं बच गए एक बटा छे इनको नॉमिनेट करता है नामित करता है राज्यपाल यानी गवर्नर लिसास लिटरेचर साइंस आर्ट सोशल सर्विस प्लस कोऑपरेटिव सोसाइटी इन फील्ड में नॉमिनेट करता है गवर्नर इन दी लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ छह राज्य हैं जहां पे हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल है जिनको हम कबूतम करके याद रखते हैं कर्नाटक आंध्रा बिहार उत्तर प्रदेश तेलंगाना एंड महाराष्ट्र विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट धामे स्तूपा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट कथन सही है तो स्तूपा के बारे में पढ़ चुके हैं कि बुद्ध जी की डेथ को सिग्निफाई करते हैं लेकिन डेथ नहीं बोलते उनकी डेथ को हम उनकी डेथ को महापरिनिर्वाण बोलते हैं महापरि निर्वाण निर्वाण होता है उनका एनलाइटेनमेंट उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी है ना बोधि में बोध ट्री के नीचे जो कि पीपल का एक पेड़ था तो वहाँ पर निर्वाण उनकी डेथ को बोलते हैं ठीक है जो कि व्हील जो कि सॉरी स्तूपा से सिग्निफाई किया जाता है व्हील तो पहले जो शर्मन दिया था उन्होंने सारनाथ वाराणसी में पहला उपदेश दिया था वहाँ पे उसको बोलते हैं ठीक है उसको व्हील से रिप्रेजेंट करते हैं अब ये जो स्तूपा है इसका हमने पूरा स्ट्रक्चर देखा था कि ये जो होता है पूरा ये अंडा शेप में तो इसको अंडा ही बोलते हैं ठीक है थीके? हेमिस्फेरिकल डोम पूछेगा आपसे ये जो टॉप पे देख पा रहे हैं इसको हर्मिका बोलते हैं इसके ऊपर छत्र ही है ठीक है वह ही बोलते हैं ये जो आप देख पा रहे हैं इस तरह से पिलर टाइप गेटवे टाइप तोराना बोलते हैं इनको ये जो रेलिंग है ये वेदिका कहलाती है ये जो एक तरह से पाथ है जिसको प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं ये आपको प्रदक्षिणा पथ दिख रहा है लेकिन इसके नीचे जो यहाँ पे दिख रहा है आपको इसको मेधी बोलते हैं ध्यान रखना ठीक है ये सारी हम कई बार बारी चीजें देख चुके हैं ठीक है अब यहाँ पे क्वेश्चन ये मैं आपसे पूछता हूँ अभी तो मेन तो क्वेश्चन किया ही नहीं है कि लार्जेस्ट स्तूपा कौन सा है और सबसे लार्जेस्ट इन इंडिया और लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड कौन सा है सबसे इंडिया में सबसे बड़ा और विश्व में सबसे बड़ा तो इंडिया में अगर बात करें तो एक केसरिया स्तूपा है ठीक है केसरिया स्तूपा जो बिहार में है और वर्ल्ड में अगर सबसे बड़े बात करें तो बोरो है बोरो जो कि कहाँ पर इंडोनेशिया में ही है ठीक है एंड और भी हमारे कुछ जैसे धामे की बात करें सारनाथ वाराणसी जहाँ पे बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था सरमन दिया था वहाँ पे तो धामेक स्तूपा इज़ द मोस्ट नोटिसिएबल स्ट्रक्चर इन सारनाथ बिल्कुल सही है द स्तूपा इज ट्वेंटी एट मीटर्स इन डाया मीटर एट द बेस एंड फोर्टी थ्री पॉइंट सिक्स मीटर इन हाइट बिल्ड पार्टली ऑफ स्टोन एंड पार्टली ऑफ ब्रिक दोनों सही है ऑप्शन नंबर सेकंड आई कंप्लीटली एग्री डेटा दिया हुआ यहाँ पे गलत होने के चांसेस थे बट ये सही है यहाँ पे ठीक है ऑप्शन नंबर सकेंड तो और यहाँ पे और भी जैसे कि हमारे <laughs> आपने चौखंडी का नाम सुना होगा चौखंडी स्तूपा ये कहाँ पे? ये भी सारनाथ में ही है चौखंडी स्तूपा भी ठीक है अच्छा एक है रामभर ठीक है रामभर स्तूपा ये आपका है कुशीनगर में या फिर कुशीनारा में जहाँ पे बुद्ध जी की डेथ हुई थी गौतम बुद्ध जी की एंड शांति स्तूप हम लोग पढ़ चुके हैं याद हो अगर आपको तो शांति स्तूपा कहाँ पे है शांति स्तूपा है लद्दाख में है ना सफ़ेद कलर का एकदम वाइट कलर का आगे बढ़ते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओपन इकॉमी फॉरक्स स्टैंड फॉर विच आर द फॉलोइंग खुली अर्थव्यवस्था में इसके संदर्भ में विदेशी मुद्रा निम्नलिखित में से किसका प्रतीक है तो अगर हम फॉरैक्स की बात करें तो यह फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑप्शन नंबर फर्स्ट फॉरेक्स होता क्या है फॉरेक्स क्या होता है फॉरेक्स रिजर्व विदेशी मुद्रा का भंडार होता है फॉरेक्स उन्नीस में ये कंडीशन आ गई थी कि हमारा फॉरेक्स जीरो हो गया था सर जीरो खत्म हो गया था मतलब मतलब ये कि हमारे पास इतना भी फॉरेन करेंसी नहीं था कि कुछ भी हम बाहर से खरीद सकें क्यों क्योंकि अभी तक आपको पता है हमने सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स ही अडॉप्ट किए थे एंड अगेन वही बार बार रिपीट करते हैं हम लोग 1991 ईयर ऑफ इकोनॉमिक डिवाइड जहाँ पे हम एल पी जी रिफॉर्म्स लेके आए लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन पी वी नरसिमहर राव की जी की सरकार थी फाइनेंस मिनिस्टर हमारे मनमोहन सिंह जी थे ईयर ऑफ़ इकोनॉमिक डिवाइड बोलते हैं और ये हमारी इसी टाइम पर हमारी लास्ट इकोनॉमिक पॉलिसी भी आई थी है ना तो ये हम लाए थे इसीलिए लाए थे क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व जीरो हो गया था हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं थी क्योंकि किसी भी कंट्री का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कुछ चीज़ों से मिलके बनता है वो क्या चीज़ें हैं तो एक तो सबसे पहले फॉरेन करेंसी एसेट सबसे बड़ा पार्ट होता है किसी कंट्री के फॉरेन फॉरेक्स रिजर्व का जैसे कि अब हम को एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ तो एक्सपोर्ट करते हैं तो यूएस को करते हैं तो यू डॉलर मिलता होगा कुवैत को करते हैं कुवैती दिनार मिलता होगा मतलब हर जगह की जैसे ऑस्ट्रेलिया से करते हैं तो ऑस्ट्रेलिय डॉलर कनेडिया से कैनेडा से करते हैं कनेडा को एक्सपोर्ट करते हैं तो कनेडियन डॉलर मिलता होगा उसको फिर हम जो हमें चाहिए होता है ख़रीदने के लिए वो उसको हम यूज़ करते हैं उसमें ठीक है तो वो होता है फॉरेन करेंसी एसेट सिर्फ उसी से नहीं आता एक्सपोर्ट से ही ये जैसे हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आता है इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट दो तरीकों से आ सकता है हमने देखा था फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक तो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जिसको कि फ़ॉरन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं इन्वेस्टमेंट ठीक है और इन्वेस्टमेंट किस हेड में आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट याद आ रहा है आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट ये आता है आपके कैपिटल वाले हेड में कैपिटल वाला जो हेड होता है उसमें आती इन्वेस्टमेंट और तुम्हें बताया भी तो एफ डी में अंतर क्या होता है इसको हॉट मनी के नाम से जानते हैं ये थोड़ा स्टेबल होता है एफ वाला तो कोई कंट्री आती है यहाँ पर तो अगर यहाँ पर निवेश करना है तो इंडियन रुपी में निवेश लगेगा इंडियन रुपी चाहिए तो कोई वहाँ की करेंसी लेके आएंगे हमें देंगे और हम उनको कन्वर्ट करके देंगे ठीक है जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ या फिर कोई भी यूट्यूब पे जो वीडियो बनाते हैं जिनको यूट्यूब से पैसा मिलता है तो वो उसमें एक्सचेंज रेट काम करता है ठीक है उसमें एक डिडक्शन भी होता है फॉरेक्स का क्योंकि वहाँ से वो डॉलर में पेमेंट सेंड करते हैं ठीक है जो यूट्यूब है और यहाँ पे हमें रुपीज़ में चाहिए होता है रुपीज़ में यूज़ करना होता है तो इसी वजह से जब एक्सचेंज रेट ज़्यादा होता है रुपी डेप्रिशिएट कर रहा होता है रुपी की वैल्यू हमारी कम हो रही होती है तो एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होता है निर्यातक को फ़ायदा होता है मैंने बताया भी था आपको कि एक डॉलर अगर अभी मान लो अस्सी रुपये में एक एक डॉलर में अस्सी रुपए आते हैं अभी एक डॉलर में अगर नब्बे रुपये आने लगे इसका मतलब होता है डेप्रिसिएट हो गया हमारा या फिर अगर गवर्नमेंट इसको इंटेंशनली कर दे तो इसको डवैल्यूशन ऑफ़ करेंसी बोलते हैं इससे एक्सपोर्टर को फ़ायदा होता है इंपोर्टर का नुकसान होता है तो पहला तो ये हो गया दूसरा इसमें है आ, गोल्ड गोल्ड के कितने रिजर्व है जैसे हमारा खत्म हो गया था जब ये फॉरेन करेंसी मतलब फॉरेक्स रिजर्व तो हमारे पास जो गोल्ड था, उसको गिरवी रख के हम पैसा लिए थे आईएमएफ से उधार जो पाकिस्तान हमेशा लेता रहता और इस समय भी उसकी वही हालत है ठीक है हमें तो एक ही बार लेना पड़ा था और वो हमारी सबक हमारे लिए ये था कि पूरी तरह से सोशलिस्टिक हो जाओगे तो फिर यही हाल होगा ठीक है तो गोल्ड रिजर्व हो गया एंड और क्या आते हैं इसमें आपकी आती है एस स्पेशल ड्राइंग राइट्स इनको बोलते हैं ये पांच करेंसी से मिलके बनता है यूएस डॉलर यूरो जो यूरोपियन यूनियन की है Yen, जो जापान की है युआन जो चाइना की है और पाउंड इन पांच करेंसी से मिलके के एस बनता है और ये चौथा होता है आर टी पी रिजर्व रैंक पोजिशन कि कितना हमारे पास रिजर्व हमने आई एम एफ के को दे के रखा है कि जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम तुमसे ले लेंगे इंडिया फॉरेक्स रिजर्व के मामले में अभी करेंटली सिक्स नंबर पे आता है छठे नंबर पे ठीक है इसमें जैसे कि रेमिटेंस अगर आपको याद हो रेमिटेंस रेमिटेंस क्या है जो बाहरी लोग रह रहे हैं मतलब इंडियंस बाहर रह रहे हैं वो पैसा भेजते हैं भारत में अपने घर वालों के लिए फिर किसी काम के लिए तो उसको रेमिटेंस बोलते हैं भारत नंबर वन पे आता है रेमिटेंस के लिए और ये रेमिटेंस वाला बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट वाले अकाउंट में जाता है करंट वाले अकाउंट में ध्यान रखना करंट अकाउंट में कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट आती है ठीक आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आंसर क्लियर हो गया हमारा विच आर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कैग आर करेक्ट कल ही पढ़े थे कैग के बारे में क्या क्या पढ़े थे कैग के बारे में कि कैग आर्टिकल नंबर वन में आता है इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है ये एक सिंगल मेंबर्ड बॉडी होती है जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में क्या है एक प्लस दो वन प्लस टू एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो अदर इलेक्शन कमिश्नर बात करें फाइनेंस कमीशन में वन प्लस फोर एक फाइनेंस कमीशन का फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन और चार अदर मेंबर्स जैसे अभी कौन बने हैं सिक्सटीन फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन अरविंद पनगढ़िया ठीक है तो यह मल्टी मेंबर बॉडी है जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी पहले सिंगल मेंबर बॉडी होता था लेकिन नाइनटीन में वो मल्टी मेंबर बॉडी बना सिक्सटी अमेंडमेंट की वजह से उस उससे नहीं बना उसकी वजह से बना क्योंकि उसने वोटिंग एज को कम कर दिया था इक्कीस से अठारह ये सिंगल मेंबर्ड बॉडी है इसको आ, क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं कि गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स ये हेड है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का ठीक है ये हमने पढ़ा था और इसके आर्टिकल में क्या हमने पढ़ा था तो आर्टिकल हमने ये पढ़ा था वन इसकी ड्यूटीज एंड पावर्स की बात करते हैं ये कल हम लोगों ने चीजें देखी थी ठीक है ड्यूटीज एंड पावर्स की वन किसकी बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ अकाउंट फॉर्म्स ऑफ अकाउंट ऑफ एंड स्टेट्स वन फिफ्टी वन किसकी बात करते हैं ऑडिट रिपोर्ट किसको देता है प्रेसिडेंट को क्या मानना बाइंडिंग है बिल्कुल नहीं कौन से पार्ट में आता है पार्ट नंबर फाइव कौन से चैप्टर में आता है चैप्टर नंबर फाइव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द ऑफिस दफ कैग इन एटीन ना 1858 का एक्ट आया था याद आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिसने कि क्या किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश दोनों जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे, थे उनको खत्म जो डुगल कंट्रोल था खत्म यहाँ से एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वॉइस रॉय बना दिया पहला वॉइस रॉय कौन बना कैनिंग सेक्रेटरी ऑफ जनरल की पोजीशन क्रिएट की उस, उसको असिस्ट करने के लिए पंद्रह मेंबर की काउंसिल क्रिएट की तो उस पर्टिकुलर एक्ट से पहले हमने एक ऑडिटर जनरल की पोजीशन क्रिएट किया था ऐसा पूरा नहीं था एंड ऑडिटर जनरल बट हाँ एक ऑडिटर हमने यहाँ पे दिया था एक स्टैब्लिश हुआ था एक ऑफिस तो पहला वाला गलत पहला गलत तो ये हो गया ठीक है तीन दोनों में होगा दो या चार होगा ये हमें देखना है दो तो होगा हो ही होगा तो खत्म यानी चार गलत हो गया अपने आप अगर आपने पहले को एलिमिनेट कर दिया था ठीक है जो कितना आसान नहीं था तो मैं मानता हूँ क्योंकि जरूरी नहीं कि आपको पता हो तो आपका आंसर आ गया था क्योंकि तो दूसरा तो आई थिंक आपको पता ही होगा कि वो हेड होता है ठीक है इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है एंड जो कैग है वाज इलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम टू द बोर्ड ऑफ ऑडिटर्स ऑफ द यूएन विद द इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1991 नहीं 1993 पहले कौन थे कैग हमारे कंट्री के वी नरहारी राव थे अभी कौन है गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं और गाइड एंड फिलोसफर इसको किस कमेटी का गाइड एंड फिलासफर बोलते हैं याद करो गाइड एंड फिलोसफर किस कमिटी किस कमेटी का बोलते हैं तो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी याद आ रही है तो एक पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है लोक लेखा समिति जिसमें 22 मेंबर हो सकते हैं मैक्सिमम 15 लोकसभा से सात राज्यसभा से उसका गाइड एंड फिलोसफर बोलते हैं कैक को कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रेन ऑफ हुमायूं तो हुमायूं के कार्यकाल अब अकबर के बारे में पढ़ लिए जो इसका बेटा था अब हुमायूं के बारे में देखते हैं तो वेन हुमायूं केम इन टू पावर इन फिफ्टी थर्टी द न्यूली टेरिटरीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन वर नॉट कंसॉलीटेड अच्छा ही आ, हाँ एक्चुअल में क्या था ना किसी ने कंसल्टेट नहीं कर पाया था इसकी गलती ये थी कि इसने भाइयों पे ज़्यादा भरोसा कर लिया था इसके भाई थे तीन कामरान अस्करी और हिंडल निकम्मे टाइप थे इसके तीनों भाई ठीक है इसने क्या किया टेरिटरी इनको दे दी कि भाई तुम रूल करो और ये जब इसको ज़रूरत थी तो ये तीनों साथ नहीं आए इसके ज़रूरत कब थी जब यह शेर सासुरी जो अफ़गान था उसको ईस्ट इंडिया में ये हराने के लिए गया था तो हमें पता है कि फिफ्टीन थर्टी में पंद्रह में बैटल ऑफ चौसा होता है है ना चौसा का युद्ध होता है और 1540 में 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज होता है तो <laughs> जब उसको ज़रूरत पड़ी ना तो इसके भाई बोलते हैं कि वो तो देखिए जब रहे नहीं हुमायूं जी अब हम रूल करेंगे मतलब वो जिंदा था और बोल दे कि वो तो रहे नहीं अब हम रूल करेंगे तो ये उसका साथ नहीं दिए तो पंद्रह सौ में दोनों में जीत किसकी हुई विनर यहाँ पर निकल के आया शेर शाह सूरी वही शेर शाह सूरी शेर शाह सूरी जिसने कि जी रोड बनवाई ग्रैंड ट्रंक रोड शेर शाह सूरी जो कि रन करती है ढाका बांग्लादेश से कहाँ तक लाहौर पाकिस्तान तक और शेर शाह सूरी की अगर बात करें तो इसका जो है मैं वो सासाराम बिहार में है सासाराम बिहार में इसका कब्र आप बोल सकते हैं और इसकी डेथ हुई थी कलिंजर का जो फोर्ट है कलींजर किला जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में पड़ता है बुंदेलखंड वाला जो रीजन है बांदा के पास में आई थिंक है ना तो वहाँ पर तो पहला वाला अगर बात करें मैंने हुमायूं केम इन टू पावर इन फिफ्टीन थर्टी द न्यूली कॉन्ट टेरिटरीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन वर नॉट कंसल्टेड सही है ही ऑल्सो कन्फ्रंटेड हॉस्टिलिटी ऑफ द अफगान्स मेनली शेर खान इन बिहार ऑन दी वन हैंड एंड बहादुर शाह द रूलर ऑफ गुजरात बिल्कुल उन्होंने अफगानी की शत्रुता का भी सामना किया उसने ठीक है और जो गुजरात के बहादुर शाह थे उनको भी डिफीट किया लेकिन डिफीट करके कंसल्टेट नहीं किया इनको दे दिया अपने भाई को ठीक है तो दूसरा तो सही है दूसरा भी ज द चती जगताई नोबल्स वर इन फेवरेबली इंक्लाइंड टूवर्ड्स हम एंड द इंडियन नोबल्स वो एट जॉइंट बाबर सब इस सपोर्टेड द मुगल्स नहीं उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था ऑप्शन नंबर फोर्स्ट यहाँ पे सही आंसर होगा और ये बैटल हारने के बाद पन, ये लगभग आप मान लो कि पंद्रह साल तक एग्जाइल मतलब कि भाग गया यह अपने जहाँ से आया था वहाँ पर भाग गया और इसी बीच अकबर का भी जन्म होता है और पंद्रह सौ पचपन में फिर से लौट के आता है इसकी डेथ के बाद इसकी डेथ ऐसे ऐसे किसी ने मारा नहीं था शेर शाह सूरी को मतलब आई थिंक कोई माइन अगर हम इसका पैर पड़ गया था तो फट गया था तो वैसे इसकी डेथ हो गई थी तो फिफ्टीन फिफ्टी फाइव में आया कंसोलिडेट किया इस बार और बस एक ही साल तक रूल कर पाया तभी इसके रूल को हम इस तरह से बोलते हैं 1530 से लेके 1540 तक और 1555 से लेके 1556 तक ठीक है और लाइब्रेरी से गिरने की वजह से इसकी मृत्यु हो गई थी हमायूँ नामा लिखी थी इसकी बहन गुलबदन बेगम ने और इसका हुमायूं का टूम बनवाया था हाजी बेगम जो इसकी विडो थी हाजी बेगम ठीक है मिर्जा गयात इसका आर्किटेक्ट था हुमायूं जो का हमायूं का मकबरा है ठीक है हुमायूं स्टूम है जो कहाँ पर है दिल्ली में है हुमायूं का जो मकबरा है और वो चार बाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बना हुआ है ठीक है ये हम सारी चीज़ें कई बार देख चुके हैं ना फोर्टीन द एन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एनवायरमेंट एंड एकोलॉजी एकोलॉजी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं सी एस आई आर में जब हम लोगों ने वन शॉट वीडियो किया था ठीक है तो फादर ऑफ एकॉजी इंडियन एकोलॉजी किसको बोलते हैं रामदेव मिश्रा एकोलॉजी टर्म किसने दिया था अर्स्ट है लिख नहीं रहा हूँ ये सब क्योंकि कई बार लिख चुके हैं हम लोग अभी ठीक है एकदम मौखिक रिविजन होना चाहिए तुरंत कम टाइम में तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ स्टेप विथ ई स्टेप जब हम इन्वायरमेंट में कितना किसी चीज़ का इम्पैक्ट पड़ा तो कौन कौन से स्टेप फॉलो करते हैं एक दूसरे को ये एस सच रटने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन ये थोड़ा सा आपके किस तरह से आप क्वेश्चन को डील करते हैं उस चीज़ को सिखाएगा ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा जैसे ये क्वेश्चन तो है फैक्ट है रिपीट सारे मतलब रिपीट होने के चांसेस लेकिन ये सच कम चांसेस है रिपीट हो ये बस ये है कि कैसे आप क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं तो खुद ही आप सोचिए कि पहले तो आप स्क्रीनिंग करेंगे ना पहले तो देखेंगे क्या कैसे सर कितना मतलब फिर कितना मतलब एक तरह से स्कोप क्या है फिर इम्पैक्ट एनालिसिस क्या है देन लास्ट में मिटिगेशन करेंगे मिटिगेशन का मतलब होता है कम करना उस पर्टिकुलर इम्पैक्ट को कम करना वो तो सबसे लास्ट में आएगा यानी चार लास्ट में आएगा तीन से शुरू होगा ऑप्शन नंबर थर्ड थोड़ा सा ये क्या है कि आप थोड़ा कॉमन सेंस और बेसिक ऐसा नहीं कि हमने पढ़ा नहीं है तो हम क्वेश्चन को करेंगे नहीं ठीक है आप फर्स्ट उस पर मत करिए जब आप पहली बार में गो थ्रू कर रहे हैं पेपर को लेकिन अटैम्प्ट करने की कोशिश ज़रूर करिए ठीक है बिकॉज सारी चीज़ें आप नॉलेज से नहीं कर सकते हैं पच्चीस क्वेश्चन है, तो पच्चीस के पच्चीस आपको नहीं पता होंगे पूरे हंड्रेड परसेंट आपको इस तरह की चीज़ों से तो यूज़ करनी ही पड़ेंगी दी आई एन एज इन दी नॉर्थ इंडिया इज आकेजिकली रिप्रेजेंटेड बाई अम्ब्लेज दैट मेनली कंटेन विच आर द फॉलोइंग पर्टिकुलर पोट्री टाइप्स तो जब हम आई एन एज की बात करते हैं तो किस एज की बात करते हैं तो पच्चीस सौ से लेकर सत्रह सौ पचास याद होगा आपको इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम बोलते हैं इंडस वाली सिविलाइजेशन इसको हम ब्राउन्स एज बोलते हैं कांस युग के नाम से जाना जाता है इसको ब्रॉन्ज एज ये टाइम पीरियड होता है इसका देन हमारा वैदिक एज स्टार्ट होता है पंद्रह से लेके पाँच तक चलता है रफली छः तक हम बोल सकते हैं तो पंद्रह से ले कर हज़ार तक इसको बोलते हैं अर्ली वैदिक एज अर्ली वैदिक और हज़ार uh, से लेके लगभग 600 सौ तक इसको हम बोलते हैं लेटर वैदिक और इट वाज द वैदिक पीरियड मेनली लेटर वैदिक जहाँ पे हमें आयरन सबसे पहले मिला था हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को आयरन के बारे में नहीं पता था क्लियर तो आयरन एज की जब हम बात करते हैं तो आई होप समझ पा रहे होंगे हम किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं पॉटरी पॉटरी मतलब जब हमने एक्सकविशंस किए एक खुदाई वगैरह किया तो वहाँ पर हमें इस तरह के पॉटरी मिली मतलब लोग इसमें हो सकता है पानी स्टोर करके या फिर ग्रेन्स स्टोर करके अनाज स्टोर करके रखते हो तो ये हमारी किस कलर की ये है ग्रे इसको पोट्री बोलते हैं ठीक है ठीके? और ये है हमारी ब्लैक वाली तो दोनों एग्जिस्ट करती थी इस टाइम में पेंटेड ग्रे वेयर भी और नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिस्ड वेयर भी तो बोथ वन एंड टू होगा ध्यान इस चीज़ का रखना इससे पहले मतलब इससे पहले यानी अर् आयरन एज से पहले ये हमारा ब्राउन्ज एज था यहाँ पे ओ सी पी होता था ओ सी पी मतलब ऑकरे कलर्ड पॉटरी में लिख देता हूँ ऑकरे कलर्ड पॉटरी ठीक है और इसके बाद यानी कि रफ रफली आप मान सकते हो कि आठ सौ के बाद ऐसा नहीं कि छः सौ एकदम बस बाद ये स्टार्ट हो गया मतलब थोड़ा सा चीज़ें कोइनसाइड भी करती हैं मतलब इसके बाद इसके पहले यानी पी जी डब्ल्यू बी पी डब्ल्यू के पहले ओ सी पी और इनके बाद में नॉर्दर्न ब्लैक एंड रेड ब्लैक एंड रेड पॉटरी देखने को मिलती थी ब्लैक और रेड दोनों जैसे ब्लैक थोड़ा रेड यूज़ कर लिया उसमें ऐसे करके ठीक फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विथ इंडिया कौन सा देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है तो इंडिया के लैंड फ्रंटियर की बात करें तो इंडिया के टोटल लैंड बाउंड्री है कितनी तो 15,200 किलोमीटर की इंडिया की लैंड बाउंड्री है जिसमें सबसे ज्यादा बाउंड्री हम बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं चार किलोमीटर इसको हम याद कर सकते हैं विद द ट्रिक बचपन में एम बचपन में एम बी से है बांग्लादेश यानी सबसे लंबी बाउंड्री हम शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ सी एच से है चाइना यानी उसके बाद चाइना के साथ शेयर करते हैं देन पी से है पाकिस्तान देन एन से है नेपाल एम से है म्यांमार ठीक है एम से है म्यांमार बी से है भूटान ऐसे है अफ़ग़ानिस्तान अफगानिस्तान के साथ सबसे कम साझा करते हैं यानी कि इससे आपको दो चीज़ें हैं किन किन कंट्रीज़ के साथ हम बाउंड्री शेयर करते हैं और डिक्रीजिंग ऑर्डर भी है सबसे ज़्यादा बांग्लादेश दैन चाइना देन पाकिस्तान दैन नेपाल भूटान म्यांमार भूटान अफगानिस्तान इस तरह से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर पूरा लिखा हुआ है तो अफगानिस्तान के साथ जो हमारा पी वाला हिस्सा है तो उतना ही बस बाउंड्री हमारा शेयर करता है ठीक है कहीं कहीं पर नहीं दिखाया जाता बट वही है कि पी हमारा हिस्सा है तो बिल्कुल अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं ठीक है तो ये चीज़ क्लियर होगी बाकी सब याद करने की जरूरत नहीं है आपको किसका कितना साथ शेयर करते हैं आ भी जाएगा तो कौन सा आपको एग्जाम टाइम तक याद ही रहेगा तो ये याद करो जो पूछ सकता है ये भी मत याद करना ठीक है ये बस याद करो बांग्लादेश वाला चार किलोमीटर ये और पाकिस्तान वाले के साथ थोड़ा देख सकते हो इसको ऐसे याद कर लो थ्री टू थ्री 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 ऐसे याद कर लो ठीक है थ्री 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 ऐसे याद कर लो बस अपने आप याद आ जाएगा कि भाई मैंने टू की जगह थ्री किया था यहाँ पे कोस्ट लाइन की अगर बात करें तटीय सीमा रेखा कितनी है बाउंड्री कितनी है तो पैंसठ पचहत्तर सौ सो सोलह किलोमीटर है ये यहाँ से तट तो मतलब ये देख पा रहे होंगे आप ये इसकी बात हो रही है यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ना यहाँ से इस तरह से पूरा जो ब्लू लाइन करके दिखाया गया ये इसमें ये भी इंक्लूडेड है हमारे जो आइलैंड है हमारे ठीक है लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड जो कि ये अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में जो हमारे अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है तो अगर इनको भी इंक्लूड कर लें तो अगर इनको हटा दें दें तो फिर कम हो जाएगी लेकिन इसको इंक्लूड करके ही पूछा जाता है ठीक है फिर आपसे पूछेगा कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कौन सा स्टेट शेयर करता है यहाँ पे तो हमने पढ़ा कि लॉन्गेस्ट हम किस कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं बांग्लादेश लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अगर पूछेगा तो अंडमान निकोबार शेयर करता है ध्यान रखना स्टेट प्लस यूटीज़ दोनों की कैटेगरी में अंडमान निकोबार लेकिन सिर्फ स्टेट पूछ लेगा राज्य पूछ लेगा तो उत्तर गुजरात होगा सिर्फ राज्य पूछेगा तो उत्तर गुजरात होगा दूसरे नंबर पे पूछेगा देन आंध्र प्रदेश होगा ठीक है पहले नंबर पे तो अंडमान निकोबार ही है राज्य गुजरात से भी ज़्यादा है लेकिन सिर्फ स्टेट पूछेगा तो गुजरात की सबसे लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री है सॉरी कोस्टल बाउंड्री है और कितनी है सोलह किलोमीटर रफली ठीक है गुजरात की चलिए तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा तजीकिस्तान के साथ हम कोई बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं द नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्लान आइडेंटिफाइड विच आर द फॉलोइंग इंटर रिलेटेड बेसिक इशूज कन्फ्रंटिंग फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट इन इंडिया ठीक है कितना मतलब टिपिकल कठिन सा क्वेश्चन लग रहा है कि राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना ने भारत में वानिकी विकास के सामने आने वाले निम्नलिखित परस्पर संबंधित बुनियादी मुद्दों में से किसकी पहचान करी प्रोटेक्टिंग एक्जिस्टिंग फॉरेस्ट रिसोर्स इंप्रूविंग फॉरेस्ट प्रोक्टिविटी जर्नलस्टिक है कोई एक्सट्रीम की वर्ड डाटा फैक् नहीं है एक्सपैंड फॉरेस्ट एरिया बाय ट्रीम पांच ऑन नॉन फॉरेस्ट लैंड ओनली एक्सट्रीम की वर्ड गलत स्टेटमेंट ठीक है खटा 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 ये सटा वन टू फोर ठीक है ये याद मत करना ये इसीलिए क्वेश्चन था ये आई में भी पूछा गया था और इसीलिए मैंने रखा ये क्वेश्चन सो दैट चीज़ें अभी से थोड़ा आप डेवलप करते रहें कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे जो कि मेंस में तो आने के चांसेस है ही हैं सीजनल मेंस में बाकी भी पूछ लेता है ठीक है जब वो स्टेनो का एग्जाम हो जेई का एग्जाम हो सी पी ओ एच सी एल सॉरी सी एच एस एल नॉट एच सी एल कैसे रहते फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया भारत में बेरोजगारी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तो विचार करें बेरोजगारी पे लेकिन क्वेश्चन पे करें ठीक है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इज़ मेनली फाउंड इन अर्बन एरियाज़ अच्छा अनएम्प्लॉयमेंट जो है बेरोज़गारी कई तरह की होती है जैसे कि एक स्ट्रक्चरल होती है संरचनात्मक बेरोजगारी इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल बेरोजगारी वो होती है कि जहाँ पे स्किल गैप होता है स्किल गैप होता है जैसे नई टेक्नोलॉजी आ गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया तो बहुत लोग की जॉब चली जाएगी क्योंकि उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इक्विप्ड नहीं है वो कि कैसे चलाना होता है उसको सारी चीज़ें तो जो स्किल की नीड है वो नहीं है जैसे कि अगर मान लो आप कहीं पर जाओ ठीक है अब जैसे मान लो किसी ने बी कर रखा है टेक और टेक कंपनी में जाए तो जॉब नहीं देंगे वो क्योंकि वो स्किल नहीं है उसके पास जो उस, उनको रिक्वायर्ड है इसलिए ठीक वो हो गया देन एक होता है हमारा स्ट्रक्चरल के बाद साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट साइक्लिकल का ही एक सब टाइप आप बोल सकते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इसमें ये होता है कि एक टाइम पे तो एम्प्लॉयमेंट रहेगा दूसरे टाइम पे नहीं रहेगा जैसे कि जो हमारे कुम्हार वगैरह होते हैं जैसे साइक्लिकल की बात करें तो जैसे कोविड के टाइम पे या फिर ऐसा माना जाता है कि हर पंद्रह से बीस साल में एक डाउन टर्न आता है पूरी वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी में जहाँ पे पूरा सारे देशों में डाउन टर्न चल रहा होता है लॉस ऑफ जॉब चल रहा होता है तो उसको साइक्लिकल बोल सकते हैं रेसे, रेसेशन के टाइम पे यानी कि जब रेसेशन चल रहा होता है लेकिन सीजनल उसी का एक सब टाइप है जैसे कि हमारे फार्मर्स हैं तो जब हार्वेस्टिंग कटाई हो गई फसल की तो अब क्या करेंगे अनएम्प्लॉयड कुम्हार हैं तो दिया जब बनते हैं दिवाली के टाइम पर तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट रहता है झालर वगैरह का जो काम करते हैं तो वो सीज़नल एक तरह से हो गया ठीक है बाकी टाइम पर अनएम्प्लॉयड है कुछ टाइम पे एम्प्लॉयड है दैट इज़ योर दिस डिस्गगाइज्ड एक होता है एक होता है फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है घर्षण बेरोजगारी इसको बोलते हैं कि जब आप एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच कर रहे हो तो जो बीच का टाइम पीरियड है उसको फ्रिक्शनल बोलते हैं या फिर फॉर स्विच भी आप बेटर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए कर सकते हो सब कि एस एस में नौकरी लग गई इससे मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ ठीक है एक स्टूडेंट uh, है उसकी रैंक सॉरी uh, उसके अभी जी में मार्क्स आई थिंक सिक्सटी प्लस दे रहा है ठीक है नहीं होगा तो मैं एक सेशन रखूंगा टेलीग्राम पर ठीक है तो शी इज नाउ प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जाम्स की हमें यूपीएससी सी ए पी एफ का एग्जाम देना है तो इस तरह से तो यह है कि आ, आप जॉब नहीं ले रहे हो ठीक है अभी हो सकता है कि आप लीव ले लो आपके पास जॉब है लेकिन आप ले क्यों नहीं रहे हो बेटर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए तो अभी फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड हो आप ठीक है एंड द लास्ट वन इज डिस्काइज अनएम्प्लॉयमेंट डिस्गाइज का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था इंडिया के एग्रीकल्चर सिस्टम में हमको दिखता ही है जहां पर लगता तो है कि लोग एम्प्लॉयड हैं लेकिन एक्चुअल में वो अनएम्प्लॉयड हैं कि एक फील्ड में पांच लोग लगे हुए हैं ठीक है और प्रोडक्शन हो रहा है एक टन मान लो कि किसी भी चीज़ का अनाज का लेकिन अगर मैं इन दोनों लोगों को हटा दूं तो भी मैं पा रहा हूँ कि तीन लोग मिलके भी एक टन का प्रोडक्शन किए दे रहे हैं मतलब दो लोग डिस्काइजली अनएम्प्लॉयड हैं ये इनकी प्रोडक्टिविटी जीरो है अगर हम देखें तो तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज मेनली फाउंड इन अर्बन एरियाज़ ये तो गलत हुआ ना तो सीजनल तो हमें रूरल में देखने को मिलेगा बिकॉज अर्बन में कौन एग्रीकल्चर करता है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ एग्रीकल्चर में ही सीजनल होता है अनएम्प्लॉयमेंट और ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ आ, आ, सिर्फ रूरल में ही सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है नहीं अर्बन में भी होता होगा बट मेनली वर्ड लिखा है ना तो मेनली रूरल में होता है तो पहला गलत ये क्वेश्चन सी में आया हुआ ठीक है तो ये दोनों गलत और सी तो होगा हो ही होगा अपने आप हो गया सी सही हायर क्रॉपिंग इंटेंसिटीज डि डिजायरेबल फॉर रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल इकोनमी बिल्कुल सही है क्रॉप की इंटेंसिटी बढ़ा दो आपकी मतलब यहाँ पे अगर x नंबर का प्रोडक्शन हो रहा है तो इसको टू एक्स हो जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा कम हो जाएगा ठीक है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पीपल आर मेनली फाउंड इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पढ़े लिखे बेरोजगार अर्बन में मिलेंगे आपको रूरल में नहीं मिलेंगे ठीक है रूरल में तो पढ़े लिखे नहीं है ज्यादातर लोग तो तो यहाँ पे पढ़े लिखे हैं जैसे बीए कर रहा है किसी ने बीएससी लेकिन जॉब नहीं है ठीक है क्योंकि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट है यानी कि बेरोजगारी क्योंकि स्किल गैप है तो ये बात बिल्कुल यह भी गलत है आंसर यहाँ पे ओनली सी हो जाएगा ठीक है मूविंग ऑन टू दी सेकंड लास्ट क्वेश्चन एंड दैट इज शाहिद परवेज खान एंड बुद्ध बुद्धादित्य मुखर्जी एंड अनुष्का शंकर आर एसोसिएटेड विद विच इज द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शाहिद परवेज खान बुद्धादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर ने में से किस संगीत स्वातंत्र से जुड़े हैं बीन सरोज संतूर या फिर सितार तो इसका सही आंसर सितार होगा अनुष्का शंकर हमारी रवि पंडित रवि शंकर जी की ही बेटी हैं हु आज़ दी फर्स्ट इंडियन टू रिसीव दी ग्रैमी वही ग्रैमी जो अभी हमारे जाकिर हुसैन जो तबला वादक हैं हमारे ये सिंगर कौन है उनका क्या नाम है यार जाकिर हुसैन एंड क्या नाम है उनका शंकर महादेवन तो उनका बैंड शक्ति उन्होंने एक एल्बम प्रोड्यूस किया द मोमेंट उसके लिए इन लोगों को द मोमेंट के लिए ग्लोबल म्यूज़िक अवार्ड में ग्रामी अवार्ड मिला और उस्ताद जाकिर हुसैन मैं बता दूं जो तबला वादक है ठीक है अल्लाह राखा के जो बेटे हैं ठीक है थीके? जिनको भी पद्म विभूषण मिला था 2022 में ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट रहने वाले मैं आपको बता दूं ठीक है क्यों क्योंकि हाइएस्ट नंबर ऑफ ग्रामे रिसीव करने वाले बन गए ये पंडित रविशंकर जी के पास पाँच थे पाँच टोटल जुबिन मेहता के पास टोटल पाँच इनके पास भी टोटल पाँच हो गए ध्यान रखना ठीक है तो ये चीज़ पता होनी चाहिए एंड देन टॉकिंग अबाउट सरोद तो सरोद वादक की अगर बात करें तो इसमें अमजद अली खान ठीक है अमजद अली खान अली अकबर खान अली अकबर खान ये लोग सरोद वादक हैं संतूर की अगर बात करें तो पंडित शिव कुमार शिव कुमार शर्मा इनके बेटे राहुल शर्मा ये हैं संतूर से एसोसिएटेड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज दिस विच सोडियम कंपाउंड इज द मोस्ट पॉपुलर एडिटिव टू वेरियस आइटम्स सच एज सॉसेज सलाद ड्रेसिंग्स एंड बेवरेजेस किसको हम किस सोडियम कंपाउंड को प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ करते हैं जैसे जैम्स हो गया टोमेटो सॉस हो गया उसकी बॉटल पे मतलब उस, उस उन, उन, उनकी बॉटल्स पे सोडियम बेंजोएट को भरा जाता है एज प्रिजर्वेटिव ताकि चीज़ें खराब ना हो जैसे कि विनेगर भी हमारा एक तरह का क्या होता है प्रिजर्वेटिव होता है इसमें कौन सा एसिड होता है हु? तो इसमें होता है एसिटिक एसिड सी एच थ्री सी डब्लू ओ एच ठीक है और इसमें ऐसा नहीं कि पूरा एसिटिक एसिड का बना होता है इसमें मात्र पाँच से छः प्रतिशत का एसिटिक एसिड होता है बाकी पानी होता है ठीक है विनेगर और यहाँ पे होता है हमारा लेक्चर आज का ख़त्म और नोट्स वगैरह डाउनलोड करने के लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या वेबसाइट पे बाकी इसकी पीडीएफ के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है सीधे जाना आपको टेलीग्राम पे और टेलीग्राम पे इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी बाकी ये नंबर मेरा नहीं है ध्यान रखिएगा इस नंबर पे आप जैसे ऐप रिलेटेड जो क्वेरीज हैं बाकी क्वेरी वो पूछ सकते हैं ऐसा नहीं कि सर आपने वो उस लेक्चर में उस क्वेश्चन में ये बताया था तो है ना उस, उसके लिए डाउट मतलब ये नहीं है नंबर ठीक है तो आपकी कुछ क्वेरी वगैरह है तो उसके लिए तो आप यहाँ पर इन लेक्चर के जो हैंड रिटेड नोट्स हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं बाकी जो एस एस सी के बैच जो हम लोग का चल रहा है उसमें अगर आप आ, रहते हैं तो फिर आपको ये अलग से इसमें एनरोल करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है चलिए धन्यवाद